हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 2021 के जो आवेदन प्रक्रिया चल रही थी उसकी क्या अपडेट बढ़ने वाली है या नहीं। तो आज आपकी न्यूज़ में प्रॉपर बताया गया है कि कितनी सीटें भर चुकी हैं, मतलब कितने फॉर्म आप लोगों के फिल हो चुके हैं, साथ ही कितने आवेदन रह गए हैं, क्या प्रोसेस है, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी डेट बढ़ने वाली है या फिर नहीं बढ़ने वाली है। ये अब आपका श्योर हो जाएगा, यहाँ से आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। और ये प्रॉपर आपका डीएलएड का चैनल है, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर एडमिशन प्रोसेस, साथ ही आपकी क्लासेस किस प्रकार से चलेंगी, उन सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस, क्या क्या है प्रॉपर न्यूज़, वो देख लेते हैं। डीएलएड 2021 240,292 ने किया आवेदन, मतलब 240,292 बच्चों ने आवेदन किया हुआ है। जो डीएलएड 2021 की आवेदन प्रक्रिया जो आप लोगों की चल रही थी, इसमें टोटल जो बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं वो बच्चे हैं 240,292। ये जो न्यूज़ है ये प्रयागराज के साइड से आई है और प्रयागराज में ही आपको पता है कि पीएनपी भी है। तो न्यूज़ पढ़ते हैं क्या है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के लिए अंतिम तिथि 17 सितंबर तक, कुल 240,292 आवेदन अंतिम रूप से भरे गए हैं, जबकि 242,830 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। डीएलएड 2021 की परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आवेदन के लिए दो बार तिथि बढ़ाई गई थी। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि टोटल आपकी कितने प्राइवेट और गवर्नमेंट सीटें हैं डीएलएड 2021 में। तो टोटल जो आप लोगों की सीटें हैं डीएलएड की, वो हैं आप लोगों की 242,000। ये आपकी टोटल जो सीटें हैं ये हैं गवर्नमेंट के। इसके बाद प्राइवेट सीटों की बात करते हैं, तो प्राइवेट जो सीटें आपकी हैं वो है टोटल 210,500। और गवर्नमेंट सीटों की हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट सीटें टोटल हैं आपकी 10,600। और ये टोटल सीटें हुई आपकी जाके 242,000। तो ये टोटल आपकी डीएलएड 2021 में सीटें थी 242,000। और उस पर जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो आपके फिल किए गए हैं 240,292। ये आपके टोटल इस बार कुल मिला के फॉर्म जो हैं वो फिल किए गए हैं, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। और आपकी जब दो बार डेट बढ़ाई गई उसके बाद ये आपके इतने फॉर्म फिल हुए हैं। तो आगे क्या बताया इन्होंने, इसके बाद भी कुल सीटें 242,200 के सापेक्ष 1,908 सीटें रिक्त रह जाएंगी। मतलब जो फॉर्म फिल किए गए हैं उसमें भी अभी भी 1,908 सीटें हैं जो अभी तक फिल नहीं हुई हैं फॉर्म में, और डेट जो है वो दो बार बढ़ा दी गई है। तो इसका ये रीज़न है कि एक तो बहुत सारे बच्चों ने, पता है कि बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया है, इस वजह से वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट नहीं आए, जैसे कि अभी तक भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये बच्चे जो हैं इन्होंने फॉर्म फिल नहीं कर पाया फाइनल ईयर के, साथ ही बहुत सारे बच्चों ने तो रॉन्ग फॉर्म फिल किए हैं। तो सोचिए इसमें से बहुत सारी सीटें हैं जो हटने वाली हैं। आप 40,000 सीटें तो हटा ही दीजिए, 40,000 सीटें तो आपकी सीधे सीधे ही कट हो गई, बिकॉज ये आपके जो फॉर्म है बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग फॉर्म फिल किए, किसी के नंबर गलत हो गए, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, किसी के नाम मिस्टेक हो गया, तो बच्चों ने दो दो बार फॉर्म फिल किए। साथ ही जो कानपुर यूनिवर्सिटी थे उसने दो बार अपना रिजल्ट अपडेट किया, इस वजह से बच्चों ने दो दो तीन तीन बार फॉर्म फिल किए अपने, ऐसे करके इतने ज़्यादा फॉर्म तो वेस्ट फिल हो गए। तो इस बार टोटल आपकी अगर देखी जाए तो आई थिंक 200,000 सीटें ही मुश्किल से होंगी जिसमें आप प्रॉपर पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी जो सीटें हैं वो खाली ही रहने वाली इस बार 40,000, क्योंकि डेट बढ़ाने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये साफ हो दिख रहा है कि अब आपकी डेट किसी भी कारण नहीं बढ़ने वाली, किसी भी कंडीशन में आपकी डेट नहीं बढ़ेगी, ये श्योर हो चुका है, क्योंकि दो बार डेट बढ़ चुकी है। और ये जब से आ गया है फॉर्म जो है, उन्होंने देखा कि एक एवरेज मेरा निकल आया, मेरे फॉर्म जो है वो भी फिल हो चुके हैं 240,292। तो एक तरीके से कुछ ही सीटें रहेंगी, और 1,500 अगर सीटें खाली रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर 40,000-50,000 सीटें जो खाली रहती तो फिर गवर्नमेंट को दिक्कत होती, अगर वहाँ दिक्कत होती तो फिर वो दोबारा डेट फिर से बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि 240,292 जो सीटें हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो और इनमें से अगर हम लोगों को देखें तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ 4,000 फॉर्म तो सीधे रिजेक्ट होने वाले हैं। मतलब इस बार अगर देखा जाए तो केवल 2
लाख ही सीटों पर भर्ती होगी, मतलब 2 लाख सीटों पे ही केवल आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। इससे पता चलता है काउंसलिंग प्रक्रिया की डेट जो है वो जल्दी आने वाली है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि आपकी डेट किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ने वाली है। आप लोग ये बात अब समझ जाइए, जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं वो प्लीज़ एक काम करिए, या तो बीएड में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया तो आप बीएड में डायरेक्ट कॉलेज जो है वो ले सकते हैं, यहाँ एक आपके लिए ऑप्शन ओपन है, बट आपका जो डीएलएड वाला ऑप्शन है वो सीधे सीधे कट हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो इसमें रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जिनके फॉर्म डीएलएड 2021 में। तो इस बार जो डीएलएड 2021 की सीटें अगर आप बताई जाएँ तो केवल 2 लाख ही फिल होने वाली हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि आपके 4000 ये फॉर्म गलत हो गए, फिर बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग में दिक्कत होगी, काउंसलिंग में कुछ गलती हो जाएगी। तो प्लीज़ आप सब लोग बहुत संभल कर काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करें अपनी, और बहुत संभल कर काउंसलिंग प्रोसेस कराएं, कोई अच्छे कैफे से काउंसलिंग कराएं, ये मत सोचे मैं खुद कर लूँगा, बिकॉज बार बार मैं कह रही हूँ आपसे कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं काउंसलिंग, और एक बार अगर आप काउंसलिंग से आउट हो गए तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाए, क्योंकि यहाँ आपका जो बीएड है वो भी नहीं होने वाला, और यहाँ अगर आप बीटीसी से भी आउट हो जाते तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक साल बर्बाद करने वाला हो जाएगा, फिर आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि मैं क्या करूँ। तो इस वजह से आप लोग, मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के एक एक स्टेप आपके साथ डिस्कस करूँगी, एक एक न्यूज़ अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिससे कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का फ्यूचर थोड़ा सा भी बर्बाद हो, साथ ही आप फ्यूचर में कोई गलती कर पाएँ डीएलएड को लेकर, बिकॉज मैंने जो इतनी सारी गलतियाँ की मैं नहीं चाहती आप लोग करें, और आप अपना भविष्य में जो चीज़ें हैं वो बेकार करें। इस वजह से मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट के सेशन से बता सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगी जैसे ही फ्री हो जाती हूँ, तो आपको जो भी दिक्कत हो मुझे बताइए। और अब फाइनल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये साफ हो चुका है कि अब डेट किसी भी हालत में नहीं बढ़ने वाली, ये श्योर हो चुका है। इससे पता चलता है कि जल्दी आप लोगों की काउंसलिंग की जो डेट है वो भी आ जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग प्रॉपर एक उसमें वे में लगे रहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने तैयार रखिए। जल्दी ही मैं आपके साथ फाइल भी डिस्कस करूँगी कि किस प्रकार की आपको फाइल चाहिए होगी, कैसे आप फाइल बनाएं, साथ ही जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कोई अच्छे कैफे से कराएं, ये मेरे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप प्लीज़ इनको अपने माइंड में रखें और इनके थ्रू ही आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस करें, और मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हैं। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।